ये हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से कुछ सीन भी दिखाता हूँ। ये जो है जितने सामने जो है देख सकते हैं इन लोगों के घर है, और वो सामने जो देख रहे हैं ना वो है मंदिर बनाया हुआ है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बनाया हुआ है। अच्छा, कब से बनाया हुआ ये मंदिर आपने? अच्छा, मतलब कि पहले से मंदिर। आप लोग बेटा स्कूल जाते हो? नहीं। तो ये तो देखें, ये भी हमारे हिंदू बच्चे हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? मंदिर बनाया हुआ है। तो चलकर मैं आप लोगों को मंदिर की कंडीशन दिखाता हूँ। बाबा रामदेव जी जबरदस्त जी, ये बाहर से मजाते होते हैं मंदिर में प्रवेश। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं तमाम लोग? आशा करता हूँ तमाम लोग ठीक होंगे। आज मैं आया हूँ फ्रेंड्स हमारे हिंदू भाइयों के घरों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। छोटा सा नहीं कह सकते, भगवान का मंदिर तो मंदिर ही होता है, छोटा हो या बड़ा, आस्था बड़ी और छोटी हो सकती है। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। तो चलकर मैं आप लोगों को बाबा रामदेव जी के दर्शन करवाता हूँ, छोटा सा मंदिर दिखाता हूँ कि इन लोगों ने कैसे यह मंदिर बनाया हुआ है, किस टाइप का मंदिर बनाया हुआ है। और मैं आप लोगों को जो मंदिर का पुजारी है, ठीक है, हमारे हिंदू भाई है, उनसे भी मिलवाता हूँ। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग। हमने देख सकते हैं ये हमारे हिंदू भाइयों का घर है। चलकर मैं आप लोगों को कंडीशन दिखाता हूँ, और यहाँ मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर में मंदिर के दर्शन भी करवाता हूँ। और चेक करते हैं कि किस देव का मंदिर बनाया हुआ। तो ये देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ 89P रहीम यार खान। फ्रेंड्स ये सामने जो देख कर रहे हैं ना, ये हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से कुछ सीन भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये जो है ना जितने भी घर रह रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के रह रहे हैं। मज़ीद जो है वो चल कर मैं आप लोगों को भाइयों से मिलवाता हूँ, पता करते हैं कि यहाँ पर कितने हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं। तो इधर देखें जी, ये गेट है। तो चलकर मैं आप लोगों को अंदर चलता हूँ। तो इधर देखें जी, ये कुछ कंडीशन है इन लोगों के घर की फ्रेंड्स। इधर देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, ये कच्चे घर इन लोगों ने बनाए हुए हैं ज़बरदस्त। वो सामने जो है देख सकते हैं इन लोगों के घर हैं, और वो सामने जो देख रहे हैं ना वो है मंदिर बनाया हुआ है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मंदिर, बाबा रामदेव जी के दर्शन करवा देता हूँ। देखें जी, ये भाई पुजारी लग रहे हैं, ठीक है, मंदिर के। तो इस भाई से पता करते हैं कि किस देव का मंदिर बनाया। तो हेलो सर, राम राम। क्या नाम है सर आपका? जहांगीर। जहांगीर भाई, ये जो मंदिर बनाया हुआ है किस देव का मंदिर बनाया हुआ है आपने? रामदेव का मंदिर बनाया हुआ है जी। अच्छा, कब से बनाया हुआ है ये मंदिर आपने? ये हमसे पहले बना हुआ है, हम यहाँ पे साल हो गए यहाँ ठहरे हैं। अच्छा, मतलब कि पहले से मंदिर बनाया हुआ, आप बाद में आए हो? अच्छा, यहाँ पर जो पहले रहते थे वो भी हिंदू ही रह रहे थे? वो भी हिंदू। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि यहाँ पर कितने हमारे हिंदू भाइयों के घर रह रहे हैं तकरीबन? यहाँ पे काफी घर है। काफी घर है। अच्छा, तकरीबन 40 से 50 घर हमारे हिंदू भाइयों के रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई? बकरियों का मतलब कि माल जानवर पालते हो आप? अच्छा, ज़बरदस्त जी। तो इस घर में कितने और सदस्य रहते हैं, इस घर के मेंबर मतलब कितने टोटल मेंबर हैं बता सकते हैं आप? पांच मेंबर हैं। अच्छा, ये बच्चे आप लोगों के? अच्छा, तो बेटा क्या नाम है आपका? बेटा क्या नाम है आपका? बाबू। बेटा स्कूल जाते हो? नहीं। तो ये तो देखें जी, ये भी हमारे हिंदू बच्चे हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? दीवाना। स्कूल जाते हो? नहीं जाते। अच्छा, तो इधर देख सकते हैं जी, ये भी हमारा हिंदू बच्चा। तो बेटा क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल, स्कूल जाते हो आप? नहीं। नहीं जाते। तो देख सकते हैं जी, हमारे हिंदू बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल नहीं जाते। वो देख सकते हैं जी सामने और कंडीशन इन लोगों के घरों की फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जी फ्रेंड्स। और वो मंदिर बनाया हुआ है, ठीक है, इन लोगों ने मंदिर बनाया हुआ है। तो चलकर मैं आप लोगों को मंदिर की कंडीशन दिखाता हूँ। बाबा रामदेव जी की मूर्ति रखी हुई है या तस्वीरें लगाई हुई, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इधर देख सकते हैं जी, ऊपर से ध्वजा बाबे जी की, ज़बरदस्त जी। ये बाहर से मतलब के कच्ची मट्टी से बनाया हुआ है बाबा रामदेव जी का मंदिर। ये जो मट्टी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मट्टी लगाई हुई है मंदिर बनाने के लिए, ठीक है ना। ये जो मंदिर बनाया हुआ है इस मट्टी से बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, इधर अगर हम देखें तो ये लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो इधर देख सकते हैं जी, ये मतलब के स्थान बनाया हुआ है बैठने के लिए, पूजा पाठ करते हैं ना तो यहाँ पर बैठते हैं ये लोग। इधर देख सकते हैं जी, ये कच्ची दीवार आप देख रहे होंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो इधर देखें जी, ये है मंदिर, ज़बरदस्त जी। ऊपर देख सकते हैं ध्वजा बाबा जी की, कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ इन लोगों ने मंदिर। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं बाबा रामदेव जी के। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाहर से कुछ सीन, दरवाज़ा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, ये इन लोगों ने कलीन बिछाया हुआ है, रली बिछाई हुई, और ये तकिया बोलते हैं जिसको, ये बिछाया हुआ। तो ये देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, अनेकों देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई हुई इन लोगों ने फ्रेंड्स, ज़बरदस्त जी। वो देखें जी, बाबा रामदेव जी की तस्वीर, ज़बरदस्त।
ठीक है, तो पहले मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, घंटी बजाते होते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए, ये देख सकते हैं जी मैंने घंटी बजाई है मैंने। और ऊपर से देख सकते हैं जी छत, कच्ची छत बनाई हुई है इन लोगों ने। इधर देखें जी अनेकों देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगाई हुई इन लोगों ने, ज़बरदस्त नरसिंह रूप धारण किया था। ठीक है, तो ये तस्वीर उसकी है, तो बांसुरी रखी हुई है और ये माला वगैरह रखी हुई है, ज़बरदस्त। अगर नीचे देखें तो इधर देखें ये भी मूर्तियाँ लगाई हुई, और ये बाबा राम जी का थोड़ा देख सकते हैं जी, ज़बरदस्त। और ये देखें भवन के लिए रंग लगी हुई नहीं होता, आस्था होती है, यकीन होता है सबसे बड़ा। तो ये देख सकते हैं जी हमारे हिंदू बच्चे, ज़बरदस्त। और अगर इधर बात की जाए तो ये हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। अगर इधर भी कर जाए तो ये भी हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, ज़बरदस्त जी। अगर आप सच्चे भक्त बाबा रामदेव जी के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जय हो बाबा रामदेव जी की, जय हो। देखे देखें हमारे हिंदू बच्चे, ठीक है, बाबा रामदेव जी का जयकारा लगा रहे हैं। एंड आशा करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बस लिए समर्पण तन मन से मैं दे